मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकअप के बाद शादी कैसे पॉसिबल है, कितने टाइम में पॉसिबल है, कितना टाइम लगता मूव ऑन, कितना टाइम लगो, जिसके साथ ज्यादा टाइम रहेगा उसके साथ अटैचमेंट बैठ जाती है, प्यार मोहब्बत। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल्विश यादव और कीर्ति मेहरा के बारे में। दोस्तों, जब से एल्विश यादव और कीर्ति मेहरा अलग हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे के बारे में उतना बात नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, रिसेंट में काफी सारे पॉडकास्ट ऐसे हैं जिसमें एल्विश यादव और कीर्ति मेहरा से एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, जिसका रिप्लाई देने में वो लोग पीछे नहीं हटे हैं। एंड दोस्तों, कीर्ति मेहरा ने तो अपने रिसेंट पॉडकास्ट जो कि बीयू के यूट्यूब चैनल पे आई थी, उसमें डायरेक्टली एल्विश यादव का नाम लेते हुए अपने लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है उसका पूरा क्रेडिट उन्होंने एल्विश यादव को दे दी थी। लेकिन दोस्तों, एल्विश यादव अक्सर कीर्ति मेहरा का नाम लेने से बचते हुए नजर आते हैं, वो कीर्ति मेहरा का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन रिसेंट में उन्होंने काफी सारी बातें ऐसे बोली है जिसको देख करके लोग उसको कीर्ति मेहरा से रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, रिसेंट वाले अपने ब्लॉग में एल्विश यादव ने ब्रेकअप के बाद मूव ऑन के बारे में बात की है, तो उसकी क्लिप आप लोग यहाँ पे देख लो। ये अभी ना अपने ब्रेकअप की बात कर रहा था, ब्रेकअप और शादी, ब्रेकअप के बाद शादी। कौन? हमारे कटारिया साहब कह रहे हैं रहने दे, कुछ भी बात नहीं करी मैंने, कह रहा ब्रेकअप हो गया अब शादी के शादी करूंगा। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकअप के बाद शादी कैसे पॉसिबल है, कितने टाइम में पॉसिबल है, कितना टाइम लगता है मूव ऑन, कितना टाइम लगता है तेरे हिसाब से एक ब्रेकअप से मूव ऑन करने का आजकल की जनरेशन के लिए? भाई, ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए किसी का अगर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लॉन्ग टाइमिंग वाला है, जैसे 5-6 साल हो गए, तो मूव ऑन कर सकता है कोई भी 1-2 महीने या 3 महीने में या 6 महीने में या फिर 2 जन्म में, या फिर कई लोग नहीं कर पाते कटारे जैसे जो। भाई मेरा तो हुआ ही नहीं ब्रेकअप यार। या फिर सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अटैचमेंट जो होती है ना वो रह जाती है, मतलब चाहे दोस्त हो, चाहे कोई क्लोज फ्रेंड हो, कुछ भी हो, रिलेटिव हो, जिसके साथ ज्यादा टाइम रहेगा उसके साथ अटैचमेंट बैठ जाती है। प्यार मोहब्बत की चीज हमें समझ नहीं आती कि क्या होता है प्यार मोहब्बत, हमें सिर्फ अटैचमेंट से मतलब है कि अटैचमेंट नाम की कोई चीज होती है, मतलब मैं तुम लोगों को बता दूं ये चीज, तो उसी की वजह से टाइम लगता है मूव ऑन होने में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कीर्ति मेहरा और एल्विश यादव सही में मूव ऑन कर गए हैं कि दोनों के बीच में अभी प्यार बाकी है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसे ही यूट्यूब का लेटेस्ट कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।